राज्यसभा के, उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया, निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर किया, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफे में ठीक है। बात यह है, ये तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने दीजिए कल आज से। भाजपा में एक विस्फोट होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इंदौर में बड़ा दावा किया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह के पार्टी छोड़ने के सवाल पर दिग्गी ने कहा कि बीजेपी में अभी और विस्फोट होगा। दिग्गी ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिर्फ फूल छाप कांग्रेस ही पार्टी छोड़ रहे हैं। राज्यसभा के उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया, निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर किया, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफे में ठीक है। बात यह है, ये तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने दीजिए कल आज से। भाजपा में एक विस्फोट होगा, आप देख लीजिए, डरे हुए थे, अब उनका डर दूर होगा कोड ऑफ कंडक्ट के बाद, हम खुल के सामने आएंगे। कांग्रेस का पतझड़ कैसे रोकेंगे? पतझड़ नहीं है, ये वो लोग हैं जो कांग्रेस को खराब करने में लगेंगे। जो फूल छाप कांग्रेसी थे ना, और जो कायर थे, वही जा रहे हैं, बहादुर लोग डटे हुए। बहरहाल दिग्विजय लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर पार्टी को एकजुट करने में जुट गए हैं। एमपी से राज्यसभा सांसद दिग्विजय की गुना और जबलपुर से चुनाव लड़ने की चर्चाएं भी सियासी गलियारों में है। अब दिग्विजय चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल पर्सनल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।